दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वाइसरॉय सीरीज का लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा ये 1884 से आए और 94 तक रुके। इनके टाइम पे क्या क्या हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कई बार इसके बारे में पूछ चुका है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इनके टाइम पे फैक्ट्री एक्ट भी पास हुआ था। देखिए इससे पहले भी फैक्ट्री एक्ट हुआ था 1881 में, लेकिन यहाँ पे और एक एक्ट पास किया गया 1891 में। तो ये आ सकता है क्वेश्चन, फैक्ट्री एक्ट 1891 जब पास हुआ तब कौन थे वाइसरॉय। तो लैंसडाउन ये चीज आपको ध्यान रखना। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके टाइम पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ये भी पास हुआ। क्या पास हुआ था? इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इनके टाइम में भी पास हुआ था। और क्या हुआ? ये तो दो एक्ट हो गया, और क्या हुआ था मैं बताना चाहता हूं। यहाँ पे जो लड़की लोगों का जो गर्ल चाइल्ड का जो मैरिज का जो एज है वो रेस्ट्रिक्शन आया 12 साल कर दिया गया। मतलब एज ऑफ कंसेंट फॉर मैरिज ये कितना हो गया? 12 इयर्स हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, 12 इयर्स। और इनके टाइम पे और भी एक बड़ा बात हुआ, डूरंड कमीशन आया। क्या आया? डूरंड कमीशन। आप सोचेंगे कहते हैं डूरंड लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। ये डूरंड लाइन क्या है? उसी जमाने में क्या होता था, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर था, साम्राज्य था, और अफगानिस्तान उनका भी एम्पायर है, तो अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में जो लाइन खींचा गया उसको कहते हैं ड्यूरंड लाइन। आज बात थोड़ा अलग हो गया है। आज क्या हुआ, आज के जमाने में ड्यूरंड लाइन जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री हो गया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। उसके बाद आपको ध्यान रखना है सिविल सर्विस जो है ना, सिविल सर्विस मैं आपको बताना चाहता हूँ तीन कैटेगरी में बट गया। कैसे? देखिए मैं यहां लिख लेता हूँ सिविल सर्विस राइट। तो तीन टाइप के हो गया। क्या क्या हुआ मैं बता देता हूँ। एक हो गया इंपीरियल सिविल सर्विस। दूसरा हो गया प्रोविंशियल। और तीसरा जो है सबॉर्डिनेट सर्विसेस। ये चीज आपको याद रखना, सबॉर्डिनेट सर्विसेस, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूँ सबॉर्डिनेट सर्विसेस, ठीक है। इतना चीज अगर आप याद रख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आता है इनके ऊपर तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। विश यू हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।